दोस्तों वापस नई खबर के साथ। दोस्तों इस समय मैं कदाईपुर में हूँ, जहाँ पर आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं जॉन्टी भाई हमारे मयंक यादव जी। और यहाँ पर आज आए हैं पूर्व विधायक जी हमारे हाजी परवेज जी, उनसे बातचीत करेंगे कैसा उनको लग रहा है। जैसा कि आपको पता ही, आज अखिलेश जी का जन्मदिन है और काफ़ी खुशियाँ यहाँ पर दिख रही है, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? अब हमको नहीं, पूरे प्रदेश को अब ऐसा महसूस हो रहा है जी जी कि लोगों के अंदर बहुत खुशी है और इस बात का बड़ा अफसोस है लोगों के अंदर कि अखिलेश ऐसा नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं। ये लोगों के अंदर बहुत, लेकिन खुशी लोगों के अंदर है और हमारा उभरता हुआ नेता है, नौजवान नेता है उत्तर प्रदेश के, और आने वाले वक्त में आगा हो गया। सांसद जी भी आ गए हमारे साथ और सांसद जी से पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे और तो सांसद जी आपसे भी पूछ रहा हूँ, जैसा कि अभी सर से पूछा कि आज जन्मदिन है अखिलेश यादव जी का। तमाम लोग यहाँ पर भीड़ में एकत्रित है, आप लोग देख सकते हैं, और हमारे साथ सांसद नगेन जी हैं। तो मैं 2 मिनट चाहूँगी, आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से त्यौहार मनाया जा रहा है, जैसा आप लोग आज एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, बड़ा खुशी लग रहा है, जैसा लग रहा है समाजवादी पार्टी का ये एक स्पेशल पार्टी आज चल रही है। समाजवादी पार्टी असल है, समाजवादी पार्टी पहले भी बहुत, आप लोगों तो बेटे समान है अखिलेश यादव जी, उनके लिए क्या आवाज भी बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश का एक लौका नेता रहा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी अखिलेश यादव है, उसके टक्कर का पूरे उत्तर प्रदेश। सर मैं ये समझूं कि अखिलेश यादव जी को आज आप लोग आशीर्वाद देने आए कि आगे उनकी तैयारी? बिल्कुल, आगे दीर्घायु की कामना करते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जो है, अब मुख्यमंत्री वापस आए, इसके लिए तो कुछ कहेंगे? जो है आयु बहुत लंबी हो और हम लोग लगातार आने वाली पीढ़ी भी और हम लोग भी उनका जन्मदिन मनाते हैं। धन्यवाद सर आप लोग।